नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आज का अध्याय है फोल्डर और फाइल। तो फोल्डर क्या होती है दोस्तों और फाइल क्या होती है, यानी कि फाइल एंड फोल्डर क्या होती है दोस्तों। मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, आपको उसको बताता हूँ कि फाइल एंड फोल्डर क्या होती है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज फाइल एंड फोल्डर। तो फोल्डर क्या कह रहा है, फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ पर्सनल फाइल टैक्स पिक्चर सॉन्ग वीडियो एंड स्टोर डाटा। कहने का मतलब है दोस्तों कि फोल्डर क्या होता है, एक फोल्डर एक ब्रीफकेस होता है, एक रखने का जगह होता है। जिस तरह से मैं आपको बताया था कि माय डॉक्यूमेंट में भी कोई डाटा रख सकते हैं, माय कंप्यूटर में भी डाटा रख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप अपने नाम से एक ब्रीफकेस बनाइए, अपने नाम से एक फोल्डर बनाइए, अपने नाम से एक बक्सा बनाइए, अपने नाम से एक अटैची बनाइए और उसमें कोई डाटा या कोई फाइल फोल्डर आप उसमें आप रखिए। अपने नाम से कोई बना के आप उसका डाटा उसमें आप रख सकते हैं। तो अपने नाम से फोल्डर आपको बनाना है, कोई भी डाटा आप रख सकते हैं, कोई पिक्चर रख सकते हैं, कोई वीडियो रख सकते हैं, कोई सॉन्ग भी आप रख सकते हैं, यानी मेरी कोई भी चीज़ कंप्यूटर का डाटा उसमें आपको रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोल्डर बनाने के लिए सीखेंगे, उसके बाद कोई डाटा हम लोग रखेंगे। तो फोल्डर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि राइट क्लिक ब्लैंक स्पेस ऑन डेस्कटॉप, यानी कि राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐसे कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्लिक ऑन द न्यू, यानी कि इस पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर जाएंगे। न्यू पर जाने के बाद उसके बाद क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द फोल्डर, उसके बाद क्या कह रहा है राइट नेम एंड प्रेस इंटर, नाम लिख कर प्रेस इंटर कर दे, उसके बाद डबल क्लिक ऑन द फोल्डर। तो कैसे होता है, देखिए इस पर राइट क्लिक करेंगे सारा जगह पर, न्यू पर जाएंगे, ऊपर फोल्डर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम पूछ रहा है, तो आप अपने नाम से जो भी आपका नाम है उस नाम से आपको यहाँ पर दे दें, हम दे दिए गौरव कंप्यूटर ज्ञान के नाम से। ये मेरे नाम से क्या हो गया, एक बक्सा बन गया, एक ब्रीफकेस बन गया, एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ डाटा को रखेंगे, जैसे मैंने पेंट खोल लिया, हम पेंट खोलने के बाद हम एक चित्र बना रहे हैं, कि हम एक चित्र बना लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ और यहाँ पर इस तरह से एक और बना लेते हैं। इस तरह से बनाने के बाद हम इसको सेव करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पर और जाएंगे सेव में जाएंगे, और सेव में जाने के बाद अब हम सेव पर क्लिक किए, सबसे पहले क्या किए कोई चित्र बना लिए, चित्र बनाने के बाद यहाँ पर क्लिक किए और जाएंगे सेव पर क्लिक किया। सेव के पास हम लोग कहाँ पर जाएंगे, अब हमारे पास फोल्डर हम बनाए कहाँ पर है, तो डेस्कटॉप पर बनाया है, तो हम क्या करेंगे डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसे करके ऊपर करके डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोल्डर आपके पास नाम से आएगा गौरव कंप्यूटर ज्ञानी फोल्डर आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे एक बार क्लिक करके या डबल क्लिक करके, एक बार क्लिक कर यहाँ से कीजिए वो पे, नहीं तो डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, जैसे आप यहाँ तो डबल क्लिक करके यहाँ पर ऐसे कीजिए, नहीं तो एक बार यहाँ पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो भी बनाया है, हम चांद बनाया है तो चांद के नाम से सेव कर देंगे और नीचे यहाँ पर लिख देंगे जेपीजी लगाएंगे जेपीजी, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा जो चांद है अब हमारे पास कहाँ पर आपको चला गया, ये हमारे पास फोल्डर में चला गया, अपना ब्रीफकेस में, अपना बक्सा में चला गया। तो यहाँ पे इसे क्लिक करके ओपन करके इसको देख सकते हैं, देखिए मेरे पास बक्सा यहाँ पर यहाँ अपने ब्रीफकेस में अपने अटैची में आ गया। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको हम लोग देख सकते हैं, मेरे पास फोल्डर में आ गया, इसको भी रख सकते हैं। आगे हम लोग को सीखना क्या है, ये तो हो गया फोल्डर बनाने के तरीका। अब हम लोग फाइल को किस तरह से रखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद भी अब आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको खोल लेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इसको खोल के अपना फोल्डर के अंदर फाइल रखेंगे। फाइल मतलब क्या होता है बताते हैं, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पाएंगे, और यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपना नाम से इसको भी लिख दीजिए और इसको डबल इधर राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर जो भी आपको लिखना चाहते हैं इस तरह से आप लिख सकते हैं कि क्या होगा, फाइल हो गया। और फिर इसको क्या करना, सेव पर क्लिक कर देंगे,
ठीक है ना। आप देख क्लोज कर दिए, यहाँ पर ओपन करेंगे और फिर इसको खोलेंगे तो देखिए हम इतना सेव करके रखे हैं। ये फोल्डर हो गया, फोल्डर का अंदर इतना सारा आपका डाटा हो गया। ये क्या हो गया, फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, कुछ चीज़ आप लिख के भी रखे हैं, किसी का फ़ोन नंबर, किसी का एड्रेस, जो इस आप इसमें लिख के आप रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं फाइल एंड होल्डर। अगला हम लोग का ऑप्शन क्या है, रीस्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर रिसाइकिल। अगला हमारा ऑप्शन है रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर। रीनेमिंग फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं दोस्तों, क्या करें, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर डेट इज वाइज द रीनेम, चूज द रीनेम ऑप्शन, टाइप द न्यू नेम, प्रेस इंटर। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर हमको गौरव कंप्यूटर ज्ञान के नाम से हम अपना नाम लिखें फोल्डर को, इसको हमको चेंज करना होगा, तो राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक कर दीजिए और न्यू रीनेम, नया नाम चेंज करना है तो नया नाम चेंज कर दीजिए। और अभी आप गौरव कंप्यूटर लिखे हैं तो आप फिर आपको गौरव लिख दीजिएगा, तो आप रीनेम भी इससे आप कर सकते हैं। कोई चीज़ का नाम आप रीनेम कर सकते हैं, कोई चीज़ को आप रीनेम कर सकते हैं, आपको फिर से देखिए रीनेम कर दिए। उसके बाद नीचे क्या कह रहा है कि रीस्टोरिंग फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम रिसाइकिल बिन, कैसे होगा, डबल क्लिक ऑन द रिसाइकिल बिन, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, चूज रीस्टोर ऑप्शन। अगर आपको गलती से आपको यहाँ से अगर हो जाता है डिलीट, तो पहले मैं आपको बताया था, आप राइट क्लिक करके ओपन करके रीस्टोर कर दीजिएगा, तो वापस वहाँ पर आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा, फिर से आपको डिलीट करके ऑप्शन आप ला सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।